इंस्टाग्राम से प्रोफेशनल डैशबोर्ड कैसे हटाएं या प्रोफेशनल अकाउंट कैसे हटाएं, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। यदि आप लोग का प्रोफेशनल डैशबोर्ड या प्रोफेशनल अकाउंट इंस्टाग्राम पर है तो इसको आप लोग कैसे हटा सकते हो, इसको कैसे आप लोग रिमूव कर पाओगे और इसको रिमूव करने से क्या होता है और इसको ऑन करने से क्या होता है, पूरा कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पता नहीं चल पाएगा और आप लोग यहाँ से इसको हटा नहीं पाओगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंस्टाग्राम के रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ जिनसे आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। तो चलिए आपको बताते हैं इंस्टाग्राम पर यदि प्रोफेशनल डैशबोर्ड है को इंस्टाग्राम पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड को कैसे हटाना है। तो यहाँ पर आप लोग चेक कीजिए, यहाँ पर मेरा प्रोफेशनल डैशबोर्ड आपको दिख रहा होगा, प्रोफेशनल अकाउंट दिख रहा होगा इंस्टाग्राम पर। तो इस पर यदि आप लोग जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पर ये पूरा डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, जिससे कि यहाँ पर आपको पता चलता है कि यदि आपकी यहाँ पर लास्ट 28 डे में या आपको एक वीक में कितनी यहाँ पर रीच जा रही है आपके अकाउंट की, कितने लोगों तक आपका अकाउंट पहुँच रहा है, कितने लोगों के पास इंप्रेशन जा रहा है और इंगेजमेंट कितना आ रहा है, टोटल फॉलोवर कितने आपको मिल रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर 7 दिन का डाटा पूरा यहाँ पर दिख जाएगा, जिससे आप लोग यहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ पर आपको टूल्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इसका ये बेनिफिट होता है कि आपका जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड हो जाता है, इससे आप लोग अपने अकाउंट की रीच और आपके अकाउंट की एंगेजमेंट और इंप्रेशन सारे चेक कर पाओगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी अकाउंट की रीच कितनी है। अभी आप लोग चेक कीजिए मेरे अकाउंट की रीच, यहाँ पर 104 अकाउंट्स तक मेरा अकाउंट यहाँ पर गया हुआ है, ठीक है, 30 दिनों में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चल जाता है कि आपका जो अकाउंट है वो कितने लोगों के पास जा रहा है, कितने लोग आपकी प्रोफाइल पे विजिट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर पता चल जाएंगी। तो इसको आपको रिमूव कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर की साइड में आपको 3 लाइन्स दिख रही होंगी, आपको ऊपर यहाँ पर 3 लाइन्स दिख रही होंगी, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास में इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का ऑप्शन दिखाई देगा, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए इस तरीके का इंटरफेस खुल कर आएगा। तो यहाँ पर आपको नीचे चले आना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जहाँ पर लिखा रहा है क्रिएटेड टूल्स एंड कंट्रोल्स, ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आप लोग क्लिक कर दोगे तो आपके पास में काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको नीचे चले जाना है, नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा जहाँ पर लिखा रहेगा स्विच अकाउंट टाइप्स, ठीक है, यहाँ पर स्विच अकाउंट टाइप्स दिखाई देगा आपको, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, पर्सनल अकाउंट एंड यहाँ पर क्रिएटर अकाउंट, ठीक है। यदि आपको अपना अकाउंट पर्सनल रखना है तो पर्सनल पर क्लिक कर दीजिएगा, इससे क्या होगा कि आपका जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड है वो हट जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने अपने यहाँ पर प्रोफाइल खोली हुई एंड यहाँ से प्रोफेशनल डैशबोर्ड हट चुका है, प्रोफेशनल अकाउंट हट चुका है, ठीक है, अभी मेरा पर्सनल अकाउंट बन चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग पर्सनल अकाउंट को कर सकते हैं, हटा सकते हैं। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना और कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।